अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू कंजास कुकिंग वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा, जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने दो प्याज ले लेने हैं और उसका पेस्ट बना लेना है। दो टमाटर लेने हैं, उसकी प्यूरी बना लेनी है। ब्लेंड कर लेना है आपने इनको, ठीक है। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। 1.5 kg मैंने दही ले ली है, यानी कि योगर्ट। 2 कप आपने बेसन ले लेना है, जिसको मैंने छान लिया था। और 1 प्याली आपने घी की ले लेनी है। 5 से 6 हरी मिर्चें लेकर इसका आपने पेस्ट बना लेना है। 2 बड़ी इलायची लेनी है। दालचीनी ले लेनी है आपने और लौंग ले लेने हैं, ठीक है। 1 टेबल स्पून आपने नमक लेना है। 2 टेबल स्पून आपने लाल मिर्चें लेनी है। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। पहले आप लोगों ने एक ब्लेंडर ले लेना है और उसमें बेसन डाल देना है और दही ऐड कर देना अंदर आपने, और इसे ब्लेंड कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये देखें, हम लोगों ने इसे ब्लेंड कर लिया। थोड़ा सा पानी भी आपने डाल देना है ब्लेंड करते हुए अंदर, ठीक है। पहले कढ़ाई ले लेनी है और उसमें घी डाल देना है और इसे गर्म होने दें। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गरम मसाला। थोड़ा सा मिक्स करें इसे। हम इसमें ऐड करने लगे हैं प्याज का पेस्ट। 2 प्याज थे ये। अब आपने इसको 2 मिनट तक मिक्स कर लेना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें ऐड कर रहे हैं टोमेटो प्यूरी। 2 टमाटरों की है ये, इसको भी आप बीच में मिक्स कर लें। तो ये हमारा पेस्ट रेडी हो रहा है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक, लाल मिर्चें और हल्दी पाउडर। इसको मिक्स कर लें। काली मिर्चें हम बाद में ऐड करेंगे, वो भी आपने ऐड नहीं करनी। 2 मिनट तक आपने इसको भून लेना है मसाले को। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पेस्ट, जो बेसन का और दही का हमने बना लिया था। मिक्स कर लें इसे। अब इसमें हम 1/2 जग पानी डाल देंगे। ताकि ये अच्छे से पक जाए। आपने इसे 1 घंटे तक स्लो फ्लेम पर पकने देना है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो चलें हम तब तक अपने पकोड़ों का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पकोड़ों का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो 2 कप आप लोगों ने बेसन ले लेना है। इसे अच्छे से छान लेना है पहले आपने, मैंने छान के रख लिया। 2 आलू लेने हैं और इसको चिप्स की शेप में आप लोगों ने कट कर लेना है। इससे बहुत अच्छे पकोड़े बन जाते हैं। प्याज ले लेने हैं, इसको भी मैंने कट कर लिया, ठीक है। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून आप लोगों ने मीठा सोडा लेना है, ठीक है। 1/2 टमाटर ले लिया मैंने और इसको भी कट कर लिया है, ठीक है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसे भी कट कर लिया है। धनिया और पुदीना ले लिया और 2 टेबलस्पून अनारदाना ले लिया। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग मिक्सचर बनाते हैं पकौड़ों का। सबसे पहले आप लोगों ने बेसन डाल लेना है एक बर्तन में। अब
अब आप इसमें ऐड कर दें आलू जो हमने चिप्स की शेप के कट किए हुए हैं। प्याज, अब इसमें ऐड कर दें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और ये टमाटर और अनारदाना। ऐड कर दें लाल मिर्चें, नमक, जीरा और मीठा सोडा। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। एक साथ ही पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और मिक्स करें। ये देखें मिक्स हो गया है। इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी का डला है। ज्यादा पानी आपने नहीं डालना क्योंकि ये फिर पेस्ट पतला हो जाएगा और पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसे का पेस्ट आप लोगों ने बना लेना है। तो आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें पकौड़ों का मिक्सचर ऐड कर देते हैं। आप इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लें। आप निकाल लेते हैं। ये देखें हमने पकोड़े डिश आउट कर लिए हैं। इसको हम कढ़ी के अंदर डालेंगे। घंटा हो चुका है और हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें जो हमने एंड पे डालने के लिए रखी थी और हरी मिर्चें। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने पकोड़े जो हमने फ्राई कर लिए थे और इसे मिक्स कर लेते हैं बीच में। और अब हम इसका तड़का रेडी करते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं तड़के के लिए। इसे गर्म कर लें। के लिए 3 टेबलस्पून ऑयल यूज होगा और ये लाल मिर्चें हैं और ये जीरा। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्चें। इसे हमने मिक्स कर लिया है, अब आप इसमें जीरा ऐड कर दें और ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है। हमने करी को डिश आउट कर लिया है, बहुत ही यम्मी बनी है ये। अब इस पे बस हमने तड़का डालना है। कढ़ी के ऊपर डाल दें आप। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कढ़ी पकौड़ा बहुत ही मज़े की बनी है ये कढ़ी। आप सब भी इसे बनाएं, ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।